दिन के 24 घंटे में हमारा शरीर अलग अलग अवस्थाओं में होता है, अलग अलग समय पर अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसका असर मेटाबॉलिज्म से लेकर मस्तिष्क और शरीर पर पड़ता है। इसी से शारीरिक गतिविधियां प्रभावित होती है। यूं तो शरीर के लिए फल और सब्जियां सबसे अच्छी, लेकिन यदि इनका सेवन सही समय पर किया जाए तो ये अधिक फायदेमंद है। वहीं गलत समय पर इनके सेवन से सेहत के लिए नुकसानदायक भी। शरीर विज्ञान के अनुसार सुबह लगभग 8 बजे जैसे हमारी आंतों का मूवमेंट शुरू हो जाता है और रात लगभग 10 बजे तक ये सक्रिय भी रहता है। इसके बाद ये मूवमेंट कमजोर होने लगता है। इसलिए कौन सा समय में क्या खाएं ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो भोजन अगर सुबह फायदेमंद है तो रात को वही खाना नुकसानदेह भी है। जैसे सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक शरीर को अल्टरनेट तेज रहती है, नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन का स्राव बंद हो चुका होता है। ऐसे में फल, हर्ब्स और पानी का उपयोग इस दौरान अधिक करना चाहिए। इसलिए दिन भर ताजगी बनी रहती है, शरीर ऊर्जावान रहता है। यानी दिन की शुरुआत में पानी और फलों का इस्तेमाल बढ़ाएं, लेकिन शरीर का कोऑर्डिनेशन दोपहर 2 बजे के आसपास सबसे अच्छा होता है, जबकि रिएक्शन टाइम 3 से 4 के बीच सर्वाधिक है। ऐसे में 12 से 3 बजे के बीच सब्जियों का सेवन सबसे अधिक करना चाहिए। ये कोशिकाओं की क्षति की भरपाई करते हैं, शरीर में मिनरल्स का अवशोषण तेजी से होता है। यानी सुबह की शुरुआत पानी और फलों से और दिन में सब्जियाँ। इसी तरह से शाम 5 बजे हृदय की क्षमता सर्वाधिक होती है, जबकि 7 बजे शरीर का तापमान सर्वाधिक है। इसलिए रात 9 बजे नींद आने वाले हार्मोन मेलाटोनिन का स्राव शुरू हो जाता है। ऐसे में दोपहर 3 बजे से शाम 8 बजे तक सॉलिड फूड लिया जा सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि रात 8 बजे के बाद सॉलिड फूड लेने से बचें। केले में पोटेशियम और मैग्नीशियम ज़्यादा मात्रा में है। ऐसे में खाली पेट केला खाने से खून में दोनों ही तत्वों की मात्रा बढ़ती है, जिससे दिल को नुकसान पहुंचने की आशंका भी बढ़ जाती है। इसलिए गर्मियों में भोजन से जुड़ी ये बातें हमेशा याद रखें। इसी तरह से दही एक प्रोबायोटिक फूड है। ये आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ाता है। ये बैक्टीरिया खाना पचाने में मदद करते हैं। इनमें विटामिन बी और लैक्टोबैसिल होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ाते हैं। ये सब मिलकर आपको हल्का महसूस कराते हैं। तरबूज में 95% पानी होता है। रात को इसके सेवन से ओवर हाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। यदि यह बढ़ा हुआ पानी बाहर ना निकले तो किडनी को नुकसान पहुंचता है, जिससे पैरों में सूजन की समस्या होती है। इसलिए रात को तरबूज अवॉइड करें, दही अवॉइड करें। गर्मियों में खाना और फ्रूट सबसे बेहतर होता है, लेकिन उसको किस समय पर खाएं ये आप पर निर्भर करता है। इसलिए जब भी आप खाना खाना शुरू करें तो इन बातों को अक्सर याद करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो D5 हिंदी को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखें।